नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने साइक्लोन दाना पर कहा कि चक्रवात दाना ने 24 और 25 अक्टूबर को रात को भितरकनिका और धामरा तटों के बीच लैंडफॉल किया। यह प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे तक जारी रही। प्रशासनिक तत्परता और तैयारियों के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। सरकार की जीरो कैजुअल्टी नीति के अनुसार काम किया गया। करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 6,000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं सामान्य हो गई। दोपहर 1 बजे तक सभी सड़कें साफ हो जाएंगी और शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी। हमारी सभी टीमें लगी हैं। साइक्लोन दाना 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केंद्रापुरा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदवाली में तेज हुआ। 80 से 100 किलोमीटर तक चला तथा करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई। प्रशासनिक तत्परता और त्रुटिशून्य प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। सरकार की जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6,000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में स्थानांतरित किया गया और 1600 शिशुओं का भी जन्म हुआ। एयरपोर्ट में फ्लाइट सर्विस बिल्कुल अभी नॉर्मल पर आ गया है और 9 बजे में भुवनेश्वर में पहली फ्लाइट लैंड भी करेगी। 1 बजे तक सब सड़कों में ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगा और शाम 6 बजे तक बिजली की सेवाएं फिर से स्वाभाविक हो जाएंगे और हमारा जो सारी डिपार्टमेंट का टीम नीचे तक ग्राउंड लेवल पर वो अभी जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी शुरू कर दिए। निश्चित रूप से आज शाम तक सारी व्यवस्था बिजली के साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा और लोग सब स्वाभाविक पर उनका चल पचल रहेगा।